अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निशात और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चिकन यकनी पुलाव। और ये रेसिपी मेरी रेसिपी है, जैसे मैं घर पे बनाती हूँ वो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ और आई एम श्योर आपको भी वो बहुत पसंद आएगी। और इस रेसिपी को अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी भी यखनी पुलाव बहुत अच्छी बनेगी। तो चलिए हम हमारे रेसिपी के लिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने 500 ग्राम जो है वो राइस को भिगा के लिया है और उसे मैं भिगा के रखूँगी। देन फिर मैं यहाँ पे एक मैंने क्लॉथ लिया है, उसमें मैंने 1 जो ऑनियन है उसको मैंने कट करके रखा है। देन मैंने एक लहसुन का गड्डी ली है और फिर मैंने अदरक का छोटा पीस ले लिया है। देन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है फिनेल सीड्स यानी कि सौंफ, 1 टेबल स्पून ऐड किया मेरे ब्लैक पेपर। देन 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी वो है धनिया के सीड्स यानी कोरिएंडर सीड्स 1 टेबल स्पून। देन मैं इसमें 2 सिनेमन स्टिक, 2 दालचीनी स्टिक्स ऐड कर रही हूँ। देन मैं इसमें ऐड करूँगी जो हमारा नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है लौंग। तो 5 to 6 लौंग मैंने यहाँ पे ऐड किया है। और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो है जो बादाम फूल या फिर इसे स्टार अनिस भी कहते हैं, वो 1 बादाम फूल मैंने ऐड किया है। 2 बिग इलायची यानी कि 2 बिग कार्डमन। देन जो इसकी मैंने पोटली की है और सभी मसाले जो मैंने इसमें बंद किए हैं ताकि ये मसाले हमें खाने में डिस्टर्ब ना करें। तो अभी यहाँ पे मैंने 1/2 kg चिकन लिया है, उसे अच्छे से वॉश किया है और 2 आलू मैंने इसमें ऐड किए हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कीजिए या ना कीजिए। तो यहाँ पे 2 कप मैंने वाटर लिया है और थोड़ा सॉल्ट मैंने इसमें ऐड किया है। और फिर मैं इसमें 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ऑयल मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और फिर हम इसमें जो हमारी ये पोटली जो मसाले की पोटली हम बनाए थे वो मैंने यहाँ पे रखी है। तो अभी मैं इसे गैस पे हाई फ्लेम पे इसे एक विसल आने तक मैं पकाऊंगी। तो इसे आपको गैस को हाई फ्लेम पे रखना है। तब तक यहाँ पे पॉट में मैंने 1/2 कप जो है वो ऑयल लिया है, इसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून शाहजीरा ऐड किया है, 3 बे लीफ मैंने ऐड किए हैं। देन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो है 2 ग्रीन इलायची मैंने ऐड किए हैं, 2 लौंग मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। तो देखिए 2 लौंग्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। देन मैं इसमें ऐड करूँगी वो है 2 सिनेमन स्टिक। तो 2 सिनेमन स्टिक्स ऐड करने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे वो है जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऐड किए है। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद में हम 5 मिनट्स तक इसे अच्छे से ऑयल में भून के लेंगे और उसके बाद में हम हमारा नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 लार्ज ओनियन ऐड किए हैं और ये ऐड करने के बाद में हम इसे गोल्डन कलर आने तक इसे ऑयल में भून के लेंगे। तो जब भी गोल्डन कलर आए, जैसा हमें जब दिखना स्टार्ट हो जाएगा तब हम हमारा नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो ऐड करेंगे। तो आपको ऐसे हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे या फिर एक जगह पे ना चले। तो आप अभी देख सकते हो जो हमारी ओनियन है वो थोड़ा हल्का गोल्डन कलर इसे दिख रहा है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे ग्रीन चिली जो है वो मैंने 4 to 5 ग्रीन चिली ली है, उसे मैंने सिलबट्टे में थोड़ा क्रश किया है और वही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि जो इनका स्पाइसीनेस है वो इसमें ऐड हो जाए ग्रीन चिली का। और देन मैंने यहाँ पे 2 टोमेटो मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो जो टोमेटो है उन्हें ऐड करने के बाद में मैं इसे वापस से अच्छे से भून के लेती हूँ और जब तक टोमेटो अच्छे से थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए या फिर कुक ना हो जाए
तब तक हम इसे बीच बीच में थोड़ा ऐसे हिलाते रहेंगे, और थोड़ा हमें जो फील हो जाए ये कुक हो गया है तो अब हम नेक्स्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो चिकन है उसे एक सीट विसल आने के बाद में हमने ओपन किया, तो आप देख सकते हो हमारी यखनी रेडी हो गई है, और जो हमारी ये मसाले की जो पोटली थी वह अब हम रिमूव करेंगे, लेकिन इसमें का जो जूस है वो हम इसमें से निकाल के लेंगे और ये थोड़ा कूल होने के बाद में निकालेंगे। तब तक हम जो हमारा ये जो गोश और जो आलू है जो बॉईल किए हुए यखनी में से निकाल के हम इस हमारे पॉट में मैंने यहाँ पे ऐड किया है, हम 5 मिनट्स तक थोड़ा इसे ऑयल में अच्छे से भून के लेंगे और फिर हम आगे के प्रोसेस के लिए बढ़ेंगे। तो ये भुनने के बाद में मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर और सॉल्ट ऐड किया है, ताकि जो मेरे ग्रीन चिली थे इतने स्पाइसी नहीं थे, तो इसलिए स्पाइसीनेस के लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है। और फिर मैंने 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लेमन जूस भी ऐड किया है, ताकि उसका खट्टापन थोड़ा इसमें ऐड हो जाए। और फिर मैंने यहाँ पे 1/2 कप मैंने यहाँ पे योगर्ट ऐड किया है, दही ऐड किया है, और ये ऐड करने के बाद में मैं अच्छे से सभी जो हमारे इंग्रेडिएंट है उन्हें अच्छे से मिक्स करूँगी, ताकि उनका फ्लेवर और टेस्ट इसमें ऐड हो जाए। फिर अभी यहाँ पे मैंने मिंट लीफ यानी कि पुदीना, पुदीने के कुछ फ्रेश लीफ मैंने ऐड किया है, ताकि इसका एरोमा इसमें ऐड हो जाए। और ये अभी अच्छे से कुक होने के बाद में हम हमारे जो सोक किए हुए जो राइस थे वो हमने इसमें ऐड किए हैं, और ये ऐड करने के बाद में मैं अच्छे से इन्हें मिक्स करके लेती हूँ फर्स्ट। और अगर आपको देखिए अभी यहाँ पे जो हमारी यखनी है और जो पोटली थी उसमें से मैं ये जो पोटली जो है उसमें से उस जो मसालों का जूस है वो निचोड़ के लिया है अच्छे से, और वही यखनी मैंने इसमें ऐड की है। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा वाटर नहीं ऐड किया है, आप भी मत ऐड कीजिए। जो हमारी यखनी और जो योगर्ट यानी कि दही है उसमें ही हमारे राइस कुक हो जाएंगे, हमें एक्स्ट्रा वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐड करने के बाद में मैंने इसे लो फ्लेम पे मैंने गैस को रखा था और उसे लीड ढक दी थी। तो 10-15 मिनट्स के बाद में हमारे जो राइस है वो पक के रेडी हो गए हैं, हमारा पुलाव रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हो ये स्टीम पे जो हमारे सोक किए हुए राइस थे, तो इसकी वजह से इतना टाइम नहीं लगता है और चिकन भी हमारा अच्छे से कुक हुआ है। यहाँ पे कोई भी चीज़ ओवर कुक नहीं हुई है, और जो हमारे पुलाव है वो परफेक्टली रेडी हो गया है। जो टेस्ट है वो भी इसका परफेक्टली आ गया है, जैसे कि इसमें जो स्पाइसीनेस और खट्टापन या फिर इसका सॉल्ट परफेक्टली ऐड हो गया है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसे डिश आउट किया है और ये इतना अच्छा लग रहा है और खाने के लिए भी बहुत टेस्टी बन गया है। तो यहाँ पे मैंने इसे सर्व कुछ मिंट लीफ, कुछ कोरिएंडर लीफ और जो कुछ फ्राई ओनियन के साथ में सर्व किया है, और थोड़ा सा यहाँ पे सैलेड मैंने यहाँ पे रखा है जो इसके साथ में खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सालन या फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं लगेगी, क्योंकि जो हमारा पुलाव जो हमने बनाया है इससे जो टेस्ट जो है वो परफेक्ट टेस्ट बनी है। इसमें आपको स्पाइसीनेस भी है, खट्टापन भी है, और यहाँ पे सॉल्ट भी सही से ऐड हुआ है, और हमारे राइस और जो गोश है वो भी सही से पका है, तो ये परफेक्टली कुक होता है। तो आप भी ऐसे ही ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो घर पे ट्राई कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी इसे शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं हम हमारे नए वीडियो में, टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।